वेलकम टू राधिका बेकर्स फ्रॉम थाने। थाने में हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलते हैं और आज की हमारी रेसिपी ऑफ द वीक है वाइट सॉस। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 टेबलस्पून जितना मैंने बटर लिया है। बटर को हम अच्छे से मेल्ट होने देते हैं। इसके बाद हम 1 टेबलस्पून जितना हम इसके अंदर मैदा डालेंगे। यहाँ पे आप गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हो, होल व्हीट आटा भी यूज़ कर सकते हो। और इसको हम अच्छे से रोस्ट करेंगे। ये अच्छे से, मतलब इसको जलाना नहीं है, खाली इसको थोड़ा सा इसका मैदे का स्मेल आने तक इसको भूनना है। ये जब अच्छे से भुन जाए तब इसके अंदर हम 1 कप जितना मिल्क ऐड करेंगे। ये अच्छे से भून चुका है और इसका स्मेल भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो अब इसके अंदर मैं इस टाइम पे 1 कप जितना मैं मिल्क ऐड करूँगी। मिल्क ऐड करने के बाद आपको इसको कंटिन्यूसली हिलाना है, लम्स नहीं होने चाहिए इसके अंदर। इसके अंदर लम्स नहीं होने देना है। इसको बॉयल आ चुका है, इसमें लम्स भी नहीं हुए हैं। ये अच्छे से पक जाए तब मैं इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर डालूंगी। आप चाहे तो मिक्स हर्ब्स भी डाल सकते हो इसके अंदर। तो थोड़ा सा मिक्स हर्ब भी डालूंगी इसके अंदर। ये जो हमारा व्हाइट सॉस पास्ता है ये रेडी हो गया है बनके। हम गैस को बंद करेंगे। नेक्स्ट वीक में मैं आपको इसी व्हाइट सॉस पास्ता से व्हाइट सॉस पास्ता कैसे बनाना है ये दिखाऊंगी।